रेलवे स्टेशन के शेल्टर पर लगाए गए सोलर पैनल, सोलर एनर्जी से मिलने वाली विद्युत को विद्युत वितरण निगम को बेचा जाएगा, प्रदूषण से भी मिलेगी मुक्ति। रेलवे प्रशासन की ओर से सोलर एनर्जी का उपयोग करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे स्टेशन के शेल्टर पर बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इन पैनलों से एकत्रित की जाने वाली सोलर एनर्जी को विद्युत में बदलकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरएम पुनीत चावला ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना में ये सोलर पैनल महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे न सिर्फ बिजली का उत्पादन होगा बल्कि प्रदूषण पर भी रोक लग सकेगी। अजमेर रेलवे स्टेशन पर हमारे जो शेल्टर लगे हैं रूफटॉप, जो पैसेंजर्स के लिए शेड्स हैं, शेल्टर्स, हमने उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम किया है। वैसे तो स्टेशन बिल्डिंग पर भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, पर क्योंकि सरफेस ज़्यादा चाहिए बड़ी कैपेसिटी का लगाने के लिए, तो इसके लिए हमने उन शेल्टर्स का इस्तेमाल किया है। तो 500 किलोवाट पीक के शेल्टर्स जो हैं, 500 किलोवाट पीक के सोलर पैनल्स हम इन शेल्टर्स पे लगाने जा रहे हैं। इसका फाउंडेशन स्टोन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय रेल मंत्री ने अभी 2-2.5 महीने पहले ले किया था, और अब ये पूरा काम जो है दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारे को जो जनरेशन होगी पूरी सोलर एनर्जी की, वो इन्वर्टर लगाएंगे हम इसमें, और उसके द्वारा एसी जो है, हम जो अजमेर विद्युत निगम है उसको हम सप्लाई देंगे। तो इसमें हमारी जो है सेविंग होगी। अभी हमें 7 रुपया पर यूनिट हम देते हैं इसका खर्चा, तब उसके लिए हमें 5 रुपया पर यूनिट देना पड़ेगा। प्लस जो जनरेशन होगी सोलर एनर्जी से, इससे कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे और हमारी पोल्यूशन भी कम होगी। तो इन जनरल अजमेर शहर के लिए भी ये बड़ा अच्छा रहेगा कि उसमें ये एक स्मार्ट सिटी की ओर भी एक रेलवे का एक बड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है, हम जो है ये रहेगा।